ये आदिवासियों का बलिदान है, त्याग है और तपस्या है, इसी वजह से आज झारखंड अस्तित्व में भी आया है। आदिवासी विभिन्न क्षेत्र में सफलता भी हासिल किए हैं। आज झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आदिवासी के प्रति ओछी सोच रखते हैं। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आई है, सिर्फ इन्होंने राजनीति मोहरा बना करके आदिवासियों को लूटने का और बोका बनाने का प्रयास किया है। और नकाबपोशी जेएमएम और कांग्रेस को पहचानने की आवश्यकता है। जेएमएम और कांग्रेस ने दोनों मिल करके आदिवासी समाज को रौंदने का, तोड़ने का काम किया है। झारखंड आदिवासियों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है, लेकिन जिस तरह से इस राज्य को सन 2000 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, जिनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, ऐसे महान व्यक्ति स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्प का और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का एक परिकल्पना था कि झारखंड को हम अलग राज्य देंगे। और राज्य जब अलग बनी और इस राज्य में अगर एक जाति समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये आदिवासियों का बलिदान है, त्याग है और तपस्या है, इसी वजह से आज झारखंड अस्तित्व में भी आया है। लेकिन आज झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आदिवासी के प्रति ओछी सोच रखते हैं। आपने देखा होगा कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो गए हैं, ऐसे उनकी कथनी है आपके चैनल के माध्यम से, विधानसभा के अंदर में हमारे इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को इंगित करते हुए कहे थे। और यह भी कहे उन्होंने कि इतना तेज कैसे हो गए, हमें समझ में नहीं आता है। मैं इरफान अंसारी जी को कहना चाहती हूँ कि आपको इस बयान में और आपके इस बयान से आदिवासी समाज पूरी तरह से मर्माहत है। और मैं इतना और कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के डीएनए में जनजाति समाज के प्रति विरोध है। झारखंड में अब तक आदिवासी समाज से ही मुख्यमंत्री चुने गए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वह भी एक आदिवासी समाज से ही है। मैं यह भी बताऊं कि इस समय जो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने तो खुद आदिवासियों को बोका समझते हैं, जिसका उदाहरण आप लोग के सामने में है। लेकिन झारखंड के इतिहास गवाह है कि आदिवासी के डीएनए में समाज को, देश को और इस राज्य के इतिहास को बनाने में महती भूमिका निभाया है। और आदिवासी विभिन्न क्षेत्र में सफलता भी हासिल किए हैं और राज्य और देश का नाम रोशन किए हैं। आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, चांद भैरव की बात करेंगे, फूलो झानो, सिद्धू कानू, जत्राटाना भगत, वीर बुधु भगत, ऐसे महापुरुषों ने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आदिवासी के इतिहास को जानते नहीं हैं और जानबूझ करके अनजान बनते हैं, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या प्रियंका वाड्रा हो, या उनका आज के थोपे गए
अध्यक्ष हो, इनको आदिवासी का इतिहास जानना पड़ेगा। और जिनको मोहरा बना करके झारखंड में कुछ अनर्गल बात करने के लिए छोड़ दिया गया है, उन्हें भी जानने की आवश्यकता है कि आदिवासी सरल, सहज और स्वाभिमानी है। और कांग्रेस और जेएमएम ना तो आदिवासी के हितैषी थे और ना ही कभी हो सकते हैं। इसका उदाहरण सबके सामने में दिखाई देता है। ये आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाए हैं और उसका उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये आदिवासी के लिए कांग्रेस और जेएमएम एक चेहरा में नकाब ओढ़े बैठे हैं और आदिवासी समाज को कांग्रेस और जेएमएम जैसे लोगों के नकाब को उतारने की ज़रूरत है और नकाब पोसी जेएमएम और कांग्रेस को पहचानने की आवश्यकता है। मैं यहाँ से आदिवासी भाई बहनों को आह्वान करती हूँ कि जब जब जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आई है, सिर्फ इन्होंने राजनीति मोहरा बना करके आदिवासियों को लूटने का और बोका बनाने का प्रयास किया है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति पार्टियों में से भी बेदखल किया है। उदाहरण के लिए कई बात अगर हम देखेंगे, पिछले दिनों आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री को बेइज्जत किया, तार तार किया और फंसा दिया। किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये कांग्रेस का चल, चरित्र और चेहरा है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं आज अनर्गल बात कर रहे हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों बंगाल की घटना आप सबने देखा है कि दो दो आदिवासी नेता को साथ लेकर के उनके गाड़ियों में पैसा भर के उन दोनों आदिवासी नेता को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे कांग्रेस का चल, चरित्र और चेहरा है। मैं और यह भी बताना चाहती हूँ, झारखंड को आदिवासियों ने अपने खून और पसीने से सींचा है। मैं यह भी बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक आदिवासी हूँ, आदिवासी महिला हूँ और आदिवासी होने का मुझे गर्व है। कौन ऐसे कह सकते हैं कि आदिवासी कब अच्छा हो सकता है या कब समझदार हो सकता है। मैं इतना बताना चाहती हूँ अंसारी जी कि यहाँ की मिट्टी में हमारी पहचान है, यही की मिट्टी ने कि ये वजूद है कि आदिवासी समाज आज इतना आगे बढ़े हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आज चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, खेल के जगत में हो या किसी भी क्षेत्र में, आप आदिवासियों को उठा के देख लीजिए, आज देश और राज्य का नाम रोशन किया है। और आप लोगों ने, जेएमएम और कांग्रेस ने दोनों मिल करके आदिवासी समाज को रौंदने का, तोड़ने का काम किया है। इसलिए उन्हें एक अंधा पट्टी पहने हुए हैं। और हम इतना कहेंगे कि एक पागल व्यक्ति जिस तरह से बौरा जाता है, जिसको झारखंड की भाषा में कहते हैं बौराया हुआ, तो वही बौराया हुआ व्यक्ति है। वो हर बार आदिवासियों के बारे में कभी तिलक लगा ले, कभी लाल चुनरी ओढ़ ले, ऐसे कुछ ना कुछ एक तमाशा बना करके सामने खड़ा होते हैं। और ये भी कहने के लिए कौन कह रहे हैं, उनके शीर्ष नेता कौन है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ, ये कांग्रेस का फितरत में है। मैं यह भी पूछना चाहती हूँ एक बार विधायक इरफान अंसारी से, यह कि उन्होंने हिंदू वोट से नहीं जीते हैं, हिंदू मुझे वोट नहीं देता है, यह शब्द वो बड़े तेजी से कहते हैं, यह उनका अहंकार बोलता है। अगर आपको हिंदू वोट नहीं देता तो आप हिंदुओं के घर में टीका लगा के क्यों जाते, चुनरी पहन के क्यों जाते हैं। तो जामताड़ा विधायक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी जाति वर्ग का आप प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, आप एक जनप्रतिनिधि है। तो ये आपको कौन वोट देता है और कौन नहीं देता है, 2024 में वहाँ के लोग आपको सबक सिखाएगा। आप सबको धोखा दे रहे हैं, अपना रूप और रंग बदलने से ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा सोनिया गांधी जब जब किसी प्रदेश में जाती है तो वहाँ का पोशाक पहन करके अपने आप को बदलने का प्रयास करती थी, लेकिन आज पूरा देश ने देखा है और उन्हें जवाब दे दिया है और ये जवाब कहीं छुपा हुआ नहीं है। और आज जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन में बिहार के भी नेतृत्व करने वाले लालू प्रसाद यादव कहते थे कि झारखंड की, वो छाती पीट पीट के कहते थे कि झारखंड अगर अलग होगा तो मेरी लाश पर होगा, ऐसा बोलते थे। तो ये उनका गठबंधन है जिनमें हर तरह से आदिवासियों को परेशान करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि झारखंड में
जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों को बोका का संज्ञा तो दे ही रहे हैं और कांग्रेस राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसने ना सिर्फ राज्य का विकास को अस्थिरता किया है बल्कि आपराधिक घटनाओं को महिलाओं और युवतियों के साथ में दुष्कर्म के साथ साथ हत्या की घटनाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्य में हर दिन कहीं आदिवासी महिला या पुरुष की हत्या हो रही है। विगत दिनों आपने देखा एक उभरता हुआ नेता को हत्या हुई और राज्य सूबे के मुख्यमंत्री चूं तक नहीं करते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलती है, तो यह झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इतना कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आज हेमंत सोरेन दुष्कर्म मामले में चाहे हत्या के मामले में इस राज्य का ग्राफ बड़ा है या किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसी प्रकार राज्य में आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है। शायद इस राज्य के विकास को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार का यही एजेंडा रहा और इसलिए लोग आग बबूला होते हैं। अगर बाहर में यही शब्द को कोई व्यक्ति बोलता कि आदिवासी कैसे इतना तेज हो सकते हैं तो आज तक STSC कोर्ट में केस हो जाता, लेकिन यहाँ तो किसी तरह का कुछ कार्रवाई तक नहीं हुई, इतना तक कि उसका शब्दों को विधानसभा के अंदर में डिलीट कर दिया गया, ऐसे हम लोग को खबर मिली है। मैं इतना कहना चाहती हूँ हेमंत सोरेन जी आज कांग्रेस के इशारे पर नाच रहे हैं और आज झारखंड को पूरी तरह से लुटवा रहे हैं। झारखंड में आदिवासी रहते हैं इसलिए यह एक चारागाह बन गई है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जिस प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासन में रहने वाला व्यक्ति की बात करते हैं, आपने देखा होगा एक उभरता हुआ एक मजबूत ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर बनकर के जाती है, थाना प्रभारी बनकर के जाती है, रूपा तुर्की को आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह रांची में गो तस्करी के मामले में सुरक्षा पर खड़ी होती है ऐसी हमारी पुलिस ऑफिसर संध्या तुपनो को पुलिस के माध्यम से या गाड़ी से कुचल दिया जाता है, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासियों के साथ छल्ला हुआ है जिसको आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करते हैं। और दूसरी अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य का एक जिम्मेदारी दिया है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। आपने तो विपक्ष का नेता बनाने से डर गए और नहीं बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको राज्य का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिए, तो आप में आपके पेट में दर्द हो गया, आपको खलबलाहट हो गई, तो कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे से आपने इस तरह से किया है। कांग्रेस का यही भर नीति ने और नक्शा नहीं रहा, देश के सर्वोच्च पद पर हमारे राज्य की गवर्नर रही ऐसे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बन गई तो यही कांग्रेस के सांसद, बंगाल के सांसद अधीर रंजन चौधरी, जिनके मन में कभी धीरता नहीं हो, हर बार अल बल बोलते रहते हैं जिसको हम बोलते हैं, उनके सामने भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ सामने रहते हैं और उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी शब्द से आलोचना करते हैं। तो ये कांग्रेस के फितरत में रही है कि किस तरह से आदिवासी को नेगलेक्ट करे, आदिवासी को बरगलाते रहे, सिर्फ एक दुनिया के सामने दिखावा और ढोंग रचने के अलावे कुछ नहीं है। ये अपने मुख से भी इरफान अंसारी नहीं बोल रहे हैं, इनको केंद्र में बैठे हुए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने इशारा किया है कि आप झारखंड में इस शब्द का इस्तेमाल करो, बंगाल से इस शब्द का इस्तेमाल करो और पूरे जगह इसे बोलते रहो ताकि कांग्रेस का नाम भी बढ़ता रहे, इसके लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हेमंत सोरेन जी आप संभल जाइए, कांग्रेस के इशारा पर काम मत कीजिए, झारखंड का आदिवासी को बचाइए, यही मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ और झारखंड के आदिवासियों से आग्रह करती हूँ कि आप समझ जाइए कि आपका हितैषी कौन है और आपका विरोधी करने वाला कौन है, आने वाला समय में आप जरूर जवाब देंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।
the followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.